मनीष चौधरी है और मैं इस मूवी में लीड रोल कर रहा हूँ। दिस इज द सॉन्ग, ये टाइटल सॉन्ग है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तुलसी रैना जी के साथ मनीष चौधरी है और ये हम ट्रिप टू भानगढ़ मूवी का एक टाइटल ट्रैक शूट करने वाले हैं जिसका नाम है मंगल रात दीवानी। हम शूट कर रहे हैं तुलसी रैना के साथ। मेरा नाम मनीष है और वो प्रेरणा है। ये एक टाइटल ट्रैक है जो फिल्म के लास्ट में एक जो गाना आता है प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। और किस तरह अभी लोकेशन के बारे में बताइए कि कहाँ मूवी? ये मूवी राजस्थान बेस्ड है। राजस्थान में एक फोर्ट है जिसका नाम है भानगढ़। इट इज़ सपोज टू बी द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ एशिया। इसको अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है। हम लोग पहले ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो एक रियल लोकेशन पे राजस्थान में सिचुएटेड है उस पर हमने शूटिंग करी है एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मूवी। कहानी की बात करें तो आपका किरदार किस तरह है, क्या है? मैं एक जर्नलिस्ट का रोल अदा कर रहा हूँ इसमें एंड आई एम ए म्यूजिशियन इन माई कॉलेज लाइफ। उसके साथ साथ हम एक्सप्लोरर भी हैं, सारे दोस्त मिलके हम काफ़ी एक्सप्लोर करने के आदि हैं। सो हम लोग प्लान बनाते हैं रीयूनियन में मिलके कि हमें कुछ ट्रिप पे जाना चाहिए। देन वी गो ऑन द ट्रिप एंड वी डिस्कवर मैनी हॉरर स्टफ। तुलसी जी, हाउ डज इट फील यू बीइंग अ सिंगर, अ पॉपुलर सिंगर, यू आर गेटिंग इनटू एक्टिंग एज़ लाइक यू एक्टिंग इन दिस वीडियो, हाउ डज इट फील? बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार एक सिंगर के लिए एक वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि सिंगर अपने गाने में इतना ट्रांस में चला जाता है तो उसको बोल दिखते हैं सिर्फ। तो मैं थोड़ा सा जो है स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ा सा पोइट्री को लेकर के, तो गाने के साथ साथ मैं ट्रांस में निकल जाता था, एक्ट भूल जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पर वो कोशिश कर रहा हूँ, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा हो और पूरी एनर्जी के साथ में पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है, सबको इसका फ़ायदा मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। मनीष, आपकी ये पहली फिल्म है और how are you feeling? Are you feeling excited? Like I'm feeling very excited. I'm on cloud 9 right now. So बहुत मजा आ रहा है। What do you think? What is the USP of the film? Because इससे पहले एक you know भानगढ़ के नाम पे एक और already एक फिल्म बन रही है, yes, जो कि horror genre है और genre है, और आपकी फिल्म thriller है। मैंने दूसरी भानगढ़ के बारे में सुना है कि किसी ने किसी नकली किले में जाके शूट किया है, बट वी आर द फर्स्ट पीपल जिसने एक रियल ऑथेंटिक लोकेशन पे जाके हमने शूट किया है जो कि भानगढ़ में है। सो आवर मूवी इज टोटली रियलिस्टिक, देयर इज अ बिट ऑफ फैंटेसी। और भानगढ़ जो कि एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, जहाँ पे लाइक यू नो रात के बाद आप टूरिस्ट को अलाउड नहीं रहता है, फिर भी आपने हाउ डिड यू मैनेज टू शूट देयर? आपको वहाँ पे डर नहीं लगा? आपकी टीम को डर नहीं लगा? डर तो बहुत लगा था, लेकिन जो चीज़ हमें करनी थी, फर्स्ट टाइमर्स थे सो हमें रिस्क लेने की थोड़ी सी आदत है, सो टू प्रूव अवर सेल्फ, तो हमें डर नहीं लगा। हम एक्साइटेड भी थे, थोड़े से डरे हुए भी थे, पर वी डिड इट, वी मैनेज टू डू इट। और आपने तुलसी जी को चुना है अपने फिल्म के प्रमोशनल ट्रैक के लिए। जी हाँ, और तुलसी जी काफ़ी पॉपुलर है, कहा जाता है कि इनके गाने जिस फिल्म में आते हैं वो गाने मतलब नहीं, मेरा जो जर्नी है वो म्यूजिक की जर्नी है और म्यूजिक मेरे लिए पहले इबादत है, यही है मेरे लिए और कुछ नहीं है। एक्ट मेरे बस का काम नहीं है, मैं म्यूजिक के लिए पैदा हुआ और मैं म्यूजिक ही करने वाला हूँ। हमने आपके परफॉर्मेंस देखे लाइक यू नो शूट के दौरान। हाँ जी, आप काफी एकदम रॉकस्टार लुक में, टोटली न्यू लुक में, तो पब्लिक को पहली बार एक डिफरेंट लुक में देखेंगे। तो चीज परफॉर्मिंग लाइव लाइक यू नो इन अ प्रमोशनल ट्रैक व्हिच इज विच विल बी अ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, यू मस्ट बी फीलिंग ग्रेट। सबसे पहली बात तो क्या है कि मैं आपको बता दूं, शायद पता ना हो कि मैं ब्लैक बेल्ट भी हूं, और ब्लैक बेल्ट जिस उम्र में मैंने लिया था उस उम्र में कभी उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने लिए सीखा था और गाना भी अपने लिए सीखा। तो ब्लैक बेल्ट को अगर आप जाओ और ताइची में आप या माइम में जा कर के देखो तो वही गाने की जो पोइट्री है उसके साथ में जब आप बॉडी लैंग्वेज की बात कहते हो तो वही आपको बांधता है,
संगीत में भी वही है सर, गाने तो मैंने में भी ब्लैक बेल्ट होल्डर है। उन सब चीजों को लेकर के बस मर्ज किया हूँ कि लैंग्वेज जो है वो गाने के साथ साथ दिखनी चाहिए बॉडी में, तो आप एक्सप्लेन करते हो उसी को एक्ट कहते हैं। मैंने कोशिश की है, वैसे बहुत मुश्किल काम है ये, कोशिश किया। मनीष जी आप बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हो, आपने इसके लिए कोई प्रिपरेशन की होगी या लाइक यू नो एक्टिंग वर्कशॉप, डांसिंग क्लासेस? मैंने वर्कशॉप्स तो ली थी बट इट वाज क्वाइट नेचुरल इन मी टू एक्ट, बचपन से ही कुछ ऐसा सोचा था बट आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे क्या करना है एक्चुअली, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें होती गई। एक बार आप माइंड बना लेते हो तो आपको जो चाहते हो आपको ज़रूर मिल जाता है, आप यू जस्ट हैव टू टेक द वन स्टेप। और अगर हमारे पास तोची पाजी जैसे गाइड करने वाले हों तो डेफिनेटली हमारे ऊपर तक जाने के पूरे पूरे। गॉड इज ग्रेट, वो बहुत बड़े हैं और उनकी ब्लेसिंग सबको चाहिए। थैंक यू। जितेंद्र जी आपकी फिल्म ट्रिप टू भानगढ़ आपने कंप्लीट कर ली है और आप अपनी फिल्म के प्रमोशन ट्रैक शूट कर रहे हो, हाउ डज इट फील? अच्छा लग रहा है, फिल्म खत्म हो गई है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और ये जो प्रमोशनल ट्रैक है हम लोगों का मंगल रात दीवानी, इसके लिरिक्स और म्यूज़िक जो बन के निकला है और जो अब शूट कर रहा है हमारा भाई यतिन, क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है, फिल्म के साथ साथ गाना सब हिट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन के साथ हम लोगों ने इसको तैयार किया है, शूट कर रहे हैं और ये आप लोगों से वादा है, ये गाना आपको शादियों में डिस्को में सब जगह नाचने पर मजबूर कर देगा, आपके पैर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। यतिन आप बताइए, आप यू बीइंग द प्रोड्यूसर, हमने सुना है कि यू आर पार्ट ऑफ द यू नो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म जो आप पिक्चर रिलीज कर रहे हो, हाउ कम यू गॉट इट टू वीडियो डायरेक्शन? दी डायरेक्शन हैज ऑलवेज बीन माय पैशन, प्रोडक्शन में तो मैं रहा ही हूँ, पहले देहरादून डायरी की थी इससे पहले, इसमें भी एज अ प्रेजेंटर आई एम देयर इन द मूवी, बट हाँ जीतू ने मेरे को बोला कि ये गाना डायरेक्ट करने के लिए, इससे पहले एक और गाना है स्लो मोशन जो मैंने डायरेक्ट किया है एंड दिस इज द सेकंड सॉन्ग व्हिच वी आर शूटिंग अभी मंगल रात, तो जो भी शूट चल रहा है आप देखिएगा। हाउ इज इट वर्किंग विद कोची जी? आई थिंक इज डूइंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जितना फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरा, और अच्छे भी दिख रहे हैं, आवाज़ उनकी अच्छी है ही, बहुत अच्छे गाने भी दिए, तो हमने इस बार सोचा कि उनको इस बार वीडियो में लेकर ही आएँ, तो आई थिंक इज डूइंग वेरी गुड राइट नाउ। Do you think Tochi ji के गाने आने से आपकी फिल्म में you know आपकी फिल्म की हाईलाइट है, one of the highlight of the movie? Definitely, गाना बहुत अच्छा है, Tochi ji ने पहले ही इतने बड़े बड़े गाने दिए, गल मीठी मीठी बोल, कबीरा, परदेसी, तो आई थिंक म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मूवी के लिए, और ये गाना Tochi ji ने जो गाया बहुत ही अच्छा, बहुत ही कैची है, बहुत ही फंकी है, रैप वाला पार्ट भी काफ़ी इसका अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये हमें मूवी को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करेगा। और आप अपनी फिल्म के साथ Tochi ji के साथ एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस लुकिंग सिंगर को लॉन्च कर रहे हो आप, आई मीन लाइक हाउ डू यू फील लाइक सिंगिंग विद Tochi, यू गेटिंग अ बॉलीवुड लॉन्च, आई एम श्योर यू देयर इन द वीडियो आल्सो? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सीरियसली, मेरा तो बचपन से ही सपना था सिंगर बनने का, और Tochi ji के साथ गाना पहली बार, It's an awesome experience. Really. हाँ बचपन से ही मेरा यही सपना था, और मैं स्वीडन पढ़ी बड़ी वैसे, तो वहीं फिर क्लासिकल सिंगिंग फिर सीखी थी, और उसके बाद फिर ऐसे इम्पल्सिवनेस बस आ गई यहाँ और अपने सपने पूरे कर लिए। नहीं मैंने सिंगिंग का ही सोचा अभी तो फिलहाल, देखते हैं आगे क्या होता है, आई विल से नो। जस्ट बी रियली यू नो हैप्पी एंड एक्साइटेड लाइक नो यू गेटिंग अ ब्रेक विद Tochi ji, लाइक यू नो Tochi ji इज ऑलरेडी अ पॉपुलर सिंगर, यू नो शेयरिंग अ प्लेटफॉर्म विद देम मस्ट बी रियली यू नो इंटरेस्टिंग यू नो एक्सपीरियंस। नो आई Tochi ji से तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मुझे इनसे, और हाँ जी वो तो इनकी तो बात ही अलग है, मैं क्या कहूँ, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, बट ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड उनके साथ गा के मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली। जितेंद्र जी हमने सुना है मार्केट मतलब अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी जिस फिल्म का नाम भानगढ़ है, वो भी आपकी फिल्म से काफ़ी सिमिलर है, लाइक यू नो उनकी फिल्म का नाम भानगढ़ है और ये ट्रिप टू भानगढ़ है, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फिल्म, बिकॉज टाइटल लुक्स वेरी सिमिलर। सबसे पहली बात तो डिफरेंस ये है कि मैंने सुना है कि उन्होंने किसी दूसरे किले में शूट करके ये क्लेम किया है कि भानगढ़,
एक्चुअल प्लॉट ही मिसिंग है, देयर इज नो भानगढ़ इन दैट भानगढ़. तो फिर क्या भानगढ़? रियल हॉन्टेड प्लेस इज द प्लेस वेयर वी हैव शॉट. इट्स ट्रू, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भानगढ़, जहाँ हम लोगों ने जाके शूट किया. परमिशन मिलना आसान नहीं था, अपने क्रू को लेके गए, ऑडिशन इतना मुश्किल से लिया कि भाई एक्टर्स को पहले ही बोला हम लोग रियल लोकेशन पर जाके शूट करने वाले हैं, आप तैयार हो. इस प्रोसीजर से निकले और जाके घोस्ट के बीच में शूट किया. शायद पहली है ऐसी फिल्म है जो रियल हॉन्टेड लोकेशन पर शूट हुई है. ये आपके लिए काफ़ी चैलेंज रहा होगा कि एशिया वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड पोर्ट, जहाँ पे आई थिंक शाम के बाद विजिटर्स टूरिस्ट को अलाउड नहीं है, वहाँ शूट करना मस्ट बी अ रियल चैलेंज. कहा जाता है कि अगर शाम को कोई वहाँ रुक जाए तो वो जिंदा नहीं बचता. लेकिन हम लोग अपनी टीम लेके गए, एक्सपीरियंस करना था और ऑडियंस को देना था ट्रिप टू भानगढ़ की फील इट, कैसा है ये भानगढ़ जो अभी तक अनडिस्कवर है. ऑडियंस के लिए किया, पब्लिक के लिए किया. आपके एक्टर्स, आपके टेक्नीशियंस काफ़ी डरे हुए होंगे क्या? शुरू में सबको लग रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे, इतनी टेंशन थी. उधर कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हुए, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम लोग बच के लौटे, वरना सब लोग खत्म हो गए थे. पहले दिन पहला शॉट और ऐसा एक्सीडेंट हो गया खाई के वहाँ. खैर, जो चीज़ होती है अच्छी होती है. आज हम लोग अपना प्रमोशनल सॉन्ग शूट कर रहे हैं और ये सॉन्ग भी हिट होगा, फिल्म भी हिट होगी. और मैं देखिए अगले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली, इट विल बी अ चैलेंजिंग टास्क फॉर यू नो प्रेजेंट योर फिल्म कमिंग फ्यू मंथ्स. देखिए, शुरू से ऐसा रहा है, कंटेंट अगर अच्छा होता है ना तो उसको बड़ी या छोटी फिल्म से कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहा. हमें मालूम है हमारा कंटेंट अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, शूट अच्छा हुआ है, स्टोरी अच्छी है, एक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है, सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया है, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं और बहुत ईमानदारी से कोशिश की है. फिल्म ये सबको पसंद आएगी और बाहर देख के ऑडियंस ये जरूर कहेगी कि भैया हम देखा है, आप लोग जरूर जाओ देखो. थैंक यू सो मच.